हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुवाहिनी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी सेकंड वीक ऑफ जुलाई की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। द वाइल्ड हंट, Ten of Wands, the Set, the High Priestess, and King of Pentacles. Okay, यहाँ पर Ten of Wands है। I think Sagittarius, आप परेशान हो गए हैं अपने इस रिलेशनशिप से। आपको फील हो रहा है बर्डन। मे बी ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं और लगता है कि आप सब कुछ बिना कंप्लेन के करते जाएंगे, और ऐसा ही आपको करना चाहिए। इस पर्सन को ये एहसास नहीं कि आप कितना सफर कर रहे हैं। ओके, मे बी आप सबको खुश करने के लिए इस वक्त साइलेंट है अपने पार्टनर के साथ। इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप साइलेंट हैं, और ये चीज आपको अफेक्ट कर रही है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। हो सकता है आप बहुत टायर्ड फील करते हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा टायर्ड फील करा सकती हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप हर तरीके से परफेक्ट रहें। ये पर्सन आपसे फाइनेंशियली स्टेबल होने की उम्मीद करता है। ये पर्सन आपसे लॉयल्टी की उम्मीद करता है। ये पर्सन आपसे परफेक्शन की उम्मीद करता है, और ये चाहता है कि आप सारे रिश्तों को मेंटेन करें। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप साइलेंट रहे, या फिर दूसरों को अपनी बात कहने दें। इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। हमेशा एक्सक्यूजेस और हमेशा आपसे एक्सपेक्टेशन। आई थिंक सर्जेस ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप अपने आइडियाज को बोल नहीं रहे, अपनी सिचुएशन को दूसरों से डिस्कस नहीं कर रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहे। या द हाई प्रिस्टेस देख रहे हैं आप, आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बोलेंगे तो इसका असर आप पे नेगेटिव होगा, आपके रिलेशनशिप पे नेगेटिव होगा। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है अपनी फीलिंग्स को बताना या बोलना। बट यहां पर टैरो आपसे कह रहा है द सेट के कार्ड के साथ कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, जो भी आपका माइंड आपसे कह रहा है या जो भी आपका मन आपसे कह रहा है वो सुनिए। वो जो भी थॉट्स आपके मन के अंदर आ रहे हैं वो सारे यूनिवर्स से डायरेक्टेड है। एक्चुअली जो भी आप सोच रहे हैं इस वक्त उसका कुछ मतलब है। ये कोई रैंडम थॉट्स नहीं है, या ये कोई ऐसा ही थॉट नहीं है। इन थॉट्स का कुछ मतलब है, उन पर गौर कीजिए, और शायद ये थॉट्स आपको बताएंगे कि आपको इस सिचुएशन में से कैसे बाहर आना है। क्योंकि चाहे ये पर्सन जैसा भी हो, इसका एक अच्छा साइड भी है, या क्वीन सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होने की कैपेसिटी है, या आप कह सकते हैं कि स्टेबल रहने की कैपेसिटी है, लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने की कैपेसिटी है। बट ये भी जरूरी है कि आप उन्हें रियलाइज कराएं कि आप क्या चाहते हैं। शायद आप अपनी तरफ से सब कुछ करते जा रहे हैं, इसलिए इस पर्सन को भी
ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप परेशान हैं, या उनकी तरफ से कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उन्हें उठानी चाहिए, सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो यहां पर जरूरी है कि आप बोलें। और आप बोलेंगे तो यहां द टावर के साथ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपकी बात समझेंगे। यहां कम्युनिकेट करने की और सही तरीके से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। द टावर के साथ जो चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, और ये चेंजेस आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, बट आप एक बार डेफिनेटली इसको ट्राई करके देख सकते हैं। वाइल्ड हंट के साथ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपने पहले नहीं देखे थे। आपके पर्सन में ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे, पर आपको ओपन होने की जरूरत है अपनी फीलिंग्स को लेकर। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो हॉर्न्ड कॉट, नाइट ऑफ चैलिसेस, फोर ऑफ चैलिसेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, द क्रो, यहां फोर ऑफ चैलिसेस है। फोर ऑफ चैलिसेस के साथ शायद दूसरों को ऐसा लग रहा था कि आप बहुत खुश हैं। थ्री ऑफ कप्स लोगों को आपके पास नजर आ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आपके पास फ्रेंडशिप है, लव है, अफेक्शन है, फैमिली का सपोर्ट है, बट जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था वो ये कि आपको जिस तरह का मॉरल सपोर्ट या करेज चाहिए था अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, वो नहीं मिल पा रहा था, या फिर जिस तरह का स्टैंड आप चाहते थे कि आपका पर्सन रिलेशनशिप के लिए, वो नहीं हो पा रहा था। बट आई थिंक नाइट ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन आपको वो कप देगा जो आप चाहते हैं, वो विश ग्रांट होगी जो आप इतने लंबे समय से चाह रहे थे। बट जरूरी है कि आप अपने माइंड को रिवील करें, अपने थॉट्स को डिस्कस करें। द हॉर्न्ड कॉट के साथ आपको मुझे लगता है कि एक वेकेशन चाहिए। अगर आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जा भी रहे हो किसी वेकेशन पे, और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो यहां पे आपको चाहिए कट ऑफ डेली केओस से, या इन लोगों से दूरी बनाने की आपको जरूरत है फिलहाल। यहां आप नेचर में नजर आ रहे हैं, आपको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, आपको अपने ऊपर फोकस्ड होना चाहिए। शायद आप ये स्ट्रगल करते करते ये भूल गए कि आपकी लाइफ सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए नहीं है या वर्क करने के लिए नहीं है, आपके लाइफ का एक मकसद है लाइफ को एंजॉय करना भी। वो चीज आपसे टैरो करने को कह रहा है। और यहां पे आप देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे कि आपके पर्सन पे आपको भरोसा करना चाहिए या नहीं, ये पर्सन आपको लेके सीरियस है या नहीं, आपकी बातों को लेके सीरियस है या नहीं। तो यहां का क्रोन का कार्ड है। ये पर्सन हो सकता है कि एरोगेंट हो सकता है कि कंट्रोलिंग हो सकता है कि पावरफुल हो, डोमिनेटिंग हो सकता है कि बहुत बड़ा सेल्फ एस्टीम या ईगो हो, पर जो भी सिचुएशन है इस पर्सन को आपकी जरूरत है, इस पर्सन को आपके अफेक्शन की जरूरत है, इनको आपकी गाइडेंस की जरूरत है, तो ये आपके बिना अपना फ्यूचर नहीं सोच सकते। चलिए देखते हैं आपके लिए और कोई मैसेज क्या है। गया अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको कहा जा रहा है कि आपको प्लैनेट
के बारे में सोचना चाहिए. आई मीन यहाँ पर शायद ये द हॉर्न गॉड और अर्थ कनेक्शन यहाँ पे कनेक्टेड है. आपको प्लैनेट से कनेक्ट होना चाहिए, नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए. कम बैक टू अर्थ, अर्थ के पास वापस आइए. अर्थ ने ही आपको क्रिएट किया है और अर्थ के पास वापस आइए, आपको इससे मेंटल पीस मिलेगी और स्टेबिलिटी मिलेगी. स्टे ग्राउंडेड, आप ग्राउंडेड रह पाएंगे और सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है. ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी जुलाई के सेकेंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.